गेहूं धान फसल चक्र वाले क्षेत्रों में किसान गेहूं की कटाई के बाद खेत को आमतौर पर पड़ती यानी खाली छोड़ देते हैं, या फिर ऐसी फसल लेते हैं जो तैयार होने में ज्यादा समय लेती है। इन दोनों ही स्थिति में उसे परोक्ष रूप में ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो उस स्थिति में खेत से कोई अतिरिक्त आय नहीं होती, बल्कि खाली खेत में खरपतवार सघनता से पनपते हैं, जो अगली फसल के लिए समस्या बन जाते हैं। यदि इस अवधि में खेत से ऐसी फसल ली जाए जो कम समय में परिपक्व हो जाए और किसानों को खेत से अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो, साथ ही धान की फसल के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाए, तो ये आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत को चरितार्थ करती है। पर अभी कुछ ही किसान ऐसा कर खेती को अधिक लाभकारी बनाना जानते हैं। मेरा नाम हरे राम मौर्या है, गांव का नाम बुकसौरा है, पोस्ट ऑफिस दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर का रहने वाला हूँ। अब परसल भी मैंने लोबिया लगाया था आपका दिया हुआ, बहुत बढ़िया चीज़ है ये लोबिया जो है, इतनी बढ़िया फसल है, 65 से 75 दिन में पक्के तैयार हो जाएगी, उसके बाद इसमें हमने फिर सब्जी की फसल लेनी है। मैंने पिछले साल भी लोबिया के 2-3 साल से बोते आए हैं, उसमें बहुत बढ़िया फसल होता है। गेहूँ काटने के बाद मैंने फसल बोया और काटने के बाद फिर जुलाई में हमने उसके धान बो लेते हैं। हम तो ये कहेंगे कि हर किसान जो है इसको बो करके इसको लाभ देखें, कितना बढ़िया पैदावार मिलता है, कम दिन का ये फसल है। अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो धान गेहूं फसल चक्र में लोबिया की खेती अपनाना निश्चित रूप से आपके लिए एक लाभकारी विकल्प बन सकती है। लोबिया की खेती हल्की रेतीली से भारी चिकनी दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो आसानी से की जा सकती है। वैसे अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। लोबिया की पूसा कोमल सब्जी के लिए तथा पंत लोबिया एक दाना के लिए कम समय में तैयार होने वाली किस्में हैं, जो लगभग 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, जिससे खेत धान की फसल के लिए समय से उपलब्ध हो जाता है। उत्तराखंड में तराई के क्षेत्र में गेहूं और धान की खेती होती है, तो गेहूं की कटाई के बाद इन किस्मों को किसान भाई ले सकते हैं। इसका दाना सफ़ेद होता है और दाना बड़ा होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक है, करीब 27% इसमें प्रोटीन पाई गई है। तो दलहनी किस्मों का जो अभाव हमारे भारतवर्ष में है, उसे हम इनकी लोबिया की खेती करके उसको कमी को पूरा कर सकते हैं। इनकी बुआई 15 मार्च से 10 अप्रैल तक कभी भी की जा सकती है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक होता है। बीज दर लोबिया की किस्म के ऊपर निर्भर करती है। मोटे तौर पर इसकी झाड़ी नुमा किस्मों के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है, जबकि बेल वाली किस्मों के लिए केवल 15 से 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीज किसी भी किस्म का हो, बेहतर जमाव के लिए इसको कवकनाशी थायरम 2 ग्राम एवं बर्विस्टीन 1 ग्राम के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करनी चाहिए। आमतौर पर लोबिया की बुवाई कतारों में की जाती है तथा कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। अन्य फसलों की तरह इस फसल में भी उर्वरक की मात्रा भूमि के प्रकार तथा उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। दलहनी फसल होने के कारण लोबिया को नत्रजन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी इसमें नाइट्रोजन 25 से 30 किलोग्राम, फास्फोरस 70 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देने पर बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।
लोबिया के अच्छे उत्पादन हेतु खरपतवार नियंत्रण किया जाना आवश्यक हो जाता है, जिसके लिए पेंडी मिथिलीन 1 किलोग्राम क्रियाशील पदार्थ का 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए। यदि फिर भी प्रक्षेत्र खरपतवार से ग्रसित हो तो उस दशा में पहली निराई बुआई के 25 से 30 दिन बाद की जा सकती है। लोबिया की अल्पावधि में तैयार होने वाली प्रजातियां रोग रोधी होती हैं, परंतु यदि खेत में कुछ रोग व्याधि जैसे जीवाणु अंगमारी, लोबिया मोजेक अथवा चूर्णील आसिता आदि के लक्षण दिखाई दें, तो संस्तुत कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। लोबिया में कीटों का प्रकोप अधिक होता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से मोनोक्रोटोफास तथा फली बनते समय मरुका फली भेदक की रोकथाम के लिए 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरीफॉस का 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। लोबिया की अल्पावधि वाली किस्मों से औसतन 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना की उपज प्राप्त होती है तथा 20 से 25 क्विंटल चारा भी प्राप्त होता है और लगभग 10% प्रोटीन होता है। इन किस्मों को मैदानी क्षेत्रों में, आपके तराई क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के बाकी मैदानी भागों में और जो हमारे जो सूखे वाले क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उनमें भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मध्यम ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहां तक इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस प्रकार यदि किसान धान गेहूँ फसल चक्र में लोबिया की एक अतिरिक्त फसल भी लेते हैं तो वे दोहरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अधिक आय के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी सहायक होती है, जिससे आगामी फसल को भी लाभ मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आप भी अपनाएं अपने धान गेहूं फसल के बीच लोबिया की खेती को और पाएं अतिरिक्त लाभ।